थोड़े से पाइनएप्पल पीसेस ब्लेंडर में डाल देती हूँ। ये लगभग 2-3 चम्मच पाइनएप्पल पीसेस है और इसमें हम डालेंगे अनारदाना जो कि सूखे हुए पोमोग्रेनेट सीड्स है, 1 चम्मच अनारदाना। और ये हमारे एप्पल्स भी कट हो गए, थैंक यू सो मच। ये भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी भी डालते हैं, हमें ये थोड़ा सा प्यूरी स्टाइल चाहिए। देखो ये अच्छी तरह से अभी ब्लेंड हो गया है, प्यूरी हो गई है इसकी। ओके, तो ये हमारे साबुदाना अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं प्यूरी के साथ और अब हम इसमें तड़का देंगे, थोड़ा सा घी 2 चम्मच, थोड़ी सी राई, ये हमारा घी गर्म हो चुका है, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी रेड चिलीज और थोड़ी सी कड़ी पत्ता, ये अभी पूरा इसमें डाल देंगे। Don't you think it's exciting? Yes. Chili and fruits का combination बहुत मजेदार है। तो इसको हम थोड़ी देर ढक के रखते हैं। हमें इसमें डालने हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। आप ये काजू डाल सकते हैं, रेजिन्स, बस 2 चम्मच काजू, थोड़े से रेजिन्स। आपको अगर कुछ और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप दूसरे और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये पीनट्स हमने ग्राउंड करके रखे हुए हैं, रोस्टेड पीनट्स, हम ये डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये पीनट्स की वजह से ना साबुदाना खिचड़ी को एक अच्छा सा क्रंच मिल जाता है, बहुत साबुदाना सॉफ्ट होता है, पीनट्स क्रंची हो जाते हैं तो एक टेक्सचर में बहुत डिफरेंस मिल जाता है। तो ये हमने पीनट्स इसमें डाल दिए हैं। अब बारी है थोड़े से सॉल्ट की, टेस्ट के हिसाब से आप डू द ऑनर्स, आप इसमें डाल दीजिए। थैंक यू, वी गॉट दिस वंडरफुल खिचड़ी हियर। थोड़े से अनारदाने से अच्छा लाल रंग भी आ जाएगा, अच्छा कलर भी आ जाएगा। बस थोड़े से स्प्रिंकल करने के लिए उसके ऊपर, एक फ्रेशनेस भी मिलता है इससे, फ्रेश फ्रूट्स वैसे ही ऐड हो जाते हैं और कलर भी। फूड फूड इट्स सिजलिंग।